हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और कोरोना में सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। घर के बाहर मत जाओ, पेपर आने वाला है, तैयारी करो। कोरोना से भी बचे रहोगे और अफसर भी बन जाओगे, ठीक है? तो दो दो फायदे होने वाले हैं घर पे रहने के। कोरोना से भी बचोगे, घर वाले भी बचेंगे, अफसर बनने के चांस भी बन जाएंगे। तो सिखिज्म का पार्ट 3 देखेंगे बच्चों अब हम, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था अर्ली लाइफ ऑफ श्री गुरु नानक देव जी, ठीक है? और पार्ट 2 में हमने बेसिकली उनकी टीचिंग्स देखे। ऑलराइट, अब जो हमारा पार्ट 3 रहेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड सिख गुरु, गुरु अंगद देव जी के बारे में, ठीक है? तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन गुरु अंगद देव जी के ऊपर रहेगा। तो गुरु अंगद देव जी जो थे, सेकेंड गुरु थे। टोटल 10 गुरुज हुए हैं सिखिज्म में, ओके? तो सेकंड गुरु गुरु अंगद देव जी थे। जन्म इनका लहना नाम की जगह पर हुआ, 31 मार्च 1504 को। इनके पिताजी का नाम था भाई फेरू, ही वॉज अ त्रेहान खत्री, ठीक है? खत्री थे बाय कास्ट एक, ओके? और ट्रेड किया करते थे, ऑलराइट? और बेसिकली ये कौन से विलेज को बिलोंग करते थे? विलेज का नाम था मट्टे दी सराई, नाउ उन्होंने सराई नागा, और ये आपका मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में आता है पंजाब की। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये आपके जो है गुरु अंगद देव जी बिलोंग करते थे। ऑलराइट, नाउ ही वाज मैरिड टू बीबी खीवी, वाइफ का नाम डॉटर ऑफ देवी चंद, जो ये बीबी खीवी थी, ये देवी चंद नाम के व्यक्ति की बेटी थी। उसके बाद शादी के बाद गुरु अंगद देव जी के दो बेटे, दो सन्स हुए, एक का नाम था दासू और दूसरे का नाम दातू, और एक बेटी, बेटी का नाम था अमारो। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? जन्म कहाँ हुआ और क्या डेट, डेट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे जो है क्वेश्चन उस चीज़ के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैन बी आस्ड आप कि उनकी वाइफ का नाम क्या था, या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उनकी डॉटर का नाम क्या था या उनके सन्स का नाम क्या था। तो फैक्चुअल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक सेकंड का समय दीजिएगा। ओके, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी वजह से रहेगा। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव जी के शिष्य बने गुरु अंगद देव जी इन हिज लेट 20s, जब 20 साल के अराउंड इनकी एज थी तभी ये गुरु नानक देव जी के शिष्य बन गए। और पहली बार ये गुरुदेव जी को करतारपुर में ही मिले, जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने लास्ट के 18 ईयर्स स्पेंड किए। गुरु नानक देव जी से मिलने से पहले ये गॉडेस दुर्गा के जो थे भक्त थे, ओके? और गुरु नानक देव जी से मिलने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ भी करतारपुर में ही, बाकी की जो है वहीं पर ये सेटल डाउन हो गए। उसके बाद अब अगर आप देखें गुरु नानक देव जी के, हमने देखा था कि गुरु नानक देव जी के दो बेटे थे, तो गुरु नानक देव जी ने उनमें से किसी को भी गुरुगद्दी के लिए नॉमिनेट नहीं किया, ठीक है? तो ये गुरु नानक देव जी की एक बहुत हाई थिंकिंग, या आगे भी जितने भी सिख गुरुज हैं आप देखेंगे, वो सिर्फ उन्होंने, किसी भी सिख गुरु ने सिर्फ अपने जो सक्सेसर नॉमिनेट किए, सिर्फ इस आधार पर नॉमिनेट नहीं किए कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है या ये मेरा बेटा है, ठीक है? उन्होंने मेरिट के ऊपर जो है सक्सेसर्स को नॉमिनेट किया गुरुगद्दी के लिए। तो गुरु नानक देव जी ने ये प्रथा यहाँ पर ले आए, परिवारवाद को यहाँ पर इन्होंने नहीं ऊंचा दर्जा दिया। हर सिख गुरु ने ये कोशिश की कि जो अगला गुरु हो वो डिज़र्विंग हो और लोगों को हेल्प कर सके, ठीक है? तो गुरु नानक देव जी ने भी अपने बेटों की जगह गुरु अंगद देव को, लहाना को जो है गुरुगद्दी के लिए नॉमिनेट किया 1539 में। ऑलराइट, ही वॉज गुरु फॉर 13 ईयर्स, 1539 से 1552 तक गुरुगद्दी जो है गुरु अंगद देव जी ने संभाली। अब गुरु बनने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इनके समय में हुई, गुरु अंगद देव जी के समय में, सबसे पहले तो गुरु अंगद देव जी ने एक नया सेंटर इस्टेब्लिश किया। गुरु नानक देव जी के समय जो सेंटर ऑफ लर्निंग था वो था करतारपुर। अब करतारपुर की प्रॉब्लम क्या थी? करतारपुर में गुरु अंगद देव जी ने देखा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद जो गुरु नानक देव जी के लीगल हेयर्स हैं, यानी कि जो गुरु नानक देव जी के बच्चे हैं, वो उस जगह को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो लीगल हेयर्स के पास ही जाने थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना अराइज हो फ्यूचर में, इसीलिए गुरु अंगद देव जी ने जो सेंटर ऑफ लर्निंग था या जो सेंटर था वो करतारपुर से शिफ्ट कर दिया।
ऑलराइट, इन्होंने एक न्यू सेंटर इस्टेब्लिश करने के जो है तरफ स्टेप उठाया, और उसी लिए गुरु अंगद देव जी ने एक नया सेंटर या एक नई सिटी जो है उसकी फाउंडेशन रखी खडूर साहिब, और ये जो है आपका प्रेजेंटली तरन तरन डिस्ट्रिक्ट में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है हु फाउंडेड द सिटी ऑफ खडूर साहिब, विच सिख गुरु फाउंडेड द सिटी ऑफ खडूर साहिब, तो आप कह दोगे कि द सिटी वॉज फाउंडेड बाय द सेकेंड सिख गुरु, गुरु अंगद देव जी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि खडूर साहिब, द सिटी ऑफ खडूर साहिब इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो आप कह दोगे कि तरन तरन डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको पता ये भी चल गया कि क्यों करतारपुर से खडूर साहिब जो है नई डिस्ट्रिक्ट की इस्टेब्लिशमेंट गुरु अंगद देव जी ने की। उसके बाद गुरु अंगद देव जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन की, वो थी आपकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है। और गुरुमुखी स्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ हिज टाइम्स, ओके। और ये जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी, इसमें इन्होंने 35 लेटर्स लिए, एक्रोस्टिक एक स्क्रिप्ट हुआ करती थी, एक लैंग्वेज हुआ करती थी, वहाँ से इन्होंने 35 लेटर्स लिए, और पहली जो कॉम्पोजिशन इन्होंने की इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में वो थी जो गुरु नानक देव जी की जन्म साखीज थी, ओके। सो बेसिकली ये 35 लेटर्स कहाँ से लिए थे, ये गुरु नानक देव जी की कॉम्पोजिशन से ही उन्होंने उठाए थे। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हु फाउंडेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, तो आप कह दोगे कि गुरु अंगद देव जी फाउंडेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। द कंपाइलेशन बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ द सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ सिक्स, ऑलराइट। यहाँ पर ये स्पेलिंग को इसको ठीक कर लीजिए, सेक्रेड राइटिंग ऑफ सिक्स, ऑलराइट। उसके बाद मल्ल अखाड़ा, मल्ल अखाड़ा क्या होता है, द गुरु सी, देखिए गुरु जी जो थे, जो गुरु अंगद देव जी थे, ही वॉज वेरी कीन ऑन फिजिकल फिटनेस, ठीक है। फिजिकल फिटनेस को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, इसी वजह से इन्होंने मल्ल अखाड़ा का ट्रेडिशन जो है उसको शुरू किया, ठीक है। मल्ल अखाड़ा आप आज की डेट में भी देखते हैं कि उसमें बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, इंक्लूडिंग कुश्ती, ऑलराइट। तो गुरु जी वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ रेसलिंग एंड ही स्टार्टेड मल्ल अखाड़ा रेसलिंग अरेना, जिसको आप बोलते हो, वेयर फिजिकल एक्सरसाइज, मार्शल आर्ट्स, रेसलिंग वॉज टॉट, और इसी के साथ साथ हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस की जाती थी, यूथ को प्रमोट किया जाता था और आज भी किया जाता है कि वो तंबाकू और टॉक्सिक, चाहे वो ड्रग्स हों, चाहे वो एल्कोहल हों, इन सब सब्सटेंसेस से दूर रहें, ठीक है। तो बॉडी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज गुरु अंगद देव जी ने प्लेस किया, और इसी वजह से इन्होंने मल्ल अखाड़ा जो है बहुत सारे विलेजेस में इस्टेब्लिश किए, और बहुत सारे तो आपको खंदूर साहिब में ही जो डिस्ट्रिक्ट तरन तरन में है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ऑलराइट। उसके बाद जन्म साखीज की अगर हम बात करें, तो ही कलेक्टेड द फैक्ट्स, जो भी गुरु नानक देव जी की लाइफ से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे उन्होंने इनको कलेक्ट किया एक व्यक्ति भाई बालाजी से, ठीक है, हु वॉज कंपेनियन, जो गुरु नानक देव जी के साथ उनकी जर्नीज में जाया करते थे। तो इन्होंने भाई बालाजी से गुरु नानक देव जी की इन जर्नीज से रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और यहाँ से इन्होंने जन्म साखीज जो है लिखनी शुरू की। तो जन्म साखीज बेसिकली है क्या, दे आर लाइफ स्टोरीज ऑफ गुरु नानक देव जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म साखी कौन से सिख गुरु की लाइफ स्टोरीज हैं एग्जाम में, तो आप क्या कह दोगे कि गुरु नानक देव जी की हैं, ओके। उसके बाद ही स्ट्रेंथन्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरु का लंगर, जिसको गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। मुगल एम्परर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सीधा सीधा सवाल में पूछा जा सकता है, मुगल बादशाह हुमायूं जो थे वो गुरु अंगद देव जी के पास आए थे 1540 में। गुरु अंगद देव जी ने गद्दी 1539 में संभाल ली थी, 1540 में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था तो हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा था, और हुमायूं ने गुरु अंगद देव जी को भी एक बार विजिट की थी, और वहाँ पर इन्होंने ब्लेसिंग जो है गुरु जी के पास जाकर आशीर्वाद मांगा था कि गुरु जी मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं शेरशाह सूरी को हटा करके दोबारा से बादशाह बन सकूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मुगल बादशाह जो है गुरु अंगद देव जी के पास गया उनसे ब्लेसिंग्स लेने, तो आप क्या कह दोगे कौन सा मुगल बादशाह, हुमायूं, हुमायूं वॉज द फादर ऑफ अकबर, ओके। अब यहाँ से आगे जितने भी मुगल एम्परर्स आएंगे ना उनका कोई ना कोई लिंक रहेगा गुरुज के साथ, तो वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई कौन से गुरु। जब हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने गुरु नानक देव जी का भी देखा था कि गुरु नानक देव जी के कंटेम्प्रेरी कौन था, गुरु नानक देव जी के कंटेम्प्रेरी था बाबर, और शेरशाह सूरी भी उस समय रेलिवेंस में आ गया था, ठीक है, हुमायूं भी था, लेकिन मेनली बाबर आप कह सकते हो कि कंटेम्प्रेरी था। सक्सेसर की बात करें तो गुरु अंगद देव जी के दो बेटे थे, पर इन्होंने भी गुरु नानक देव जी की तरह ही अपने बेटों को गुरु गद्दी नहीं दी। उसकी जगह इन्होंने अपने एक शिष्य, जिनकी उम्र उस समय में 73 इयर्स की उम्र थी, तो काफ़ी एज्ड जो है थर्ड गुरु, जब आए तब
बहुत ज़्यादा एज थी थर्ड गुरु की, और वो थे गुरु अमरदास जी, ठीक है। ही वॉज अ खत्री ऑफ द भल्ला सबकास्ट एंड सक्सीडेड हिम एज द थर्ड गुरु। गुरु अमरदास जी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली गुरु जी पास्ड अवे, गुरु अंगद देव जी पास्ड अवे एट खदूर साहिब इन 1552। 1552 के बाद फिर गुरु अमरदास जी ने उनकी गद्दी संभाली। अब ये क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। जन्म और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये सारे जो सोर्सेज हैं हमने, मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो हमने गूगल का इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प लिया है, ठीक है। उसके बाद एक साडा पंजाब करके, जो आप सब जानते ही हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे PCS की, उसका हमने बहुत ज़्यादा हेल्प लिया है। और एक वेबसाइट है सीखी विकी, हमने उसका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेफरेंस जो है लिया है, ठीक है। तो वहीं से आपको कंपाइल करके ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कुछ अपना एडिशन बहुत ज़्यादा डाला है, जितना एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको कवर करा रहे हैं। और लिखने की किसी को ज़रूरत नहीं है, PDF सबके लिए अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जन्म कहाँ हुआ, 1504 में मट्टे दी सराई, मुख्तसर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका जो प्रेजेंटली। फादर मदर, फादर का नाम भाई पेरू, मदर का नाम माता दया कौर। बीवी का नाम, वाइफ का नाम बीबी खीवी। सन्स एंड डॉटर, दो बेटे थे दासू एंड दत्तू, डॉटर अमारो। गुरु गद्दी मिली 1539 में, और 1552 में ज्योति जोत इनको प्राप्त हो गई, और उसके बाद थर्ड गुरु जो है आ जाएंगे प्रोमिनेंस में। गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्वेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्ल अखाड़ा की प्रैक्टिस शुरू की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेंगे विच सिख गुरु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ मल्ल अखाड़ा। कॉम्पोजिशंस, भाई बल्ले वाली जन्म साखी जो इन्होंने कंपोज की। सिटी खदूर साहिब की इन्होंने फॉर्मेशन की। मुगल एम्परर उस समय में कौन था, हुमायूं और शेरशाह सूरी। सक्सेसर गुरु अमरदास जी। ज्योति जोत 1552 खदूर साहिब में मृत्यु हो गई। ये हुमायूं की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, इसको ठीक कर लेना, हुमायूं है, ठीक है। लिखते लिखते टाइप करते करते कई बार स्पेलिंग जो है वो गलत हो जाती हैं, तो टेंशन नहीं है उसमें ज़्यादा, ठीक है जी। चलिए तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होगा। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है पूरी, ठीक है। विरसा पंजाब का प्लेलिस्ट है, सबकी PDF आपको मिलती रहती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, फ़ायदा ये है कि नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जब चैनल को सब्सक्राइब करो उसके साथ जो बेल आइकन बनी होती है उसको भी प्रेस कर देना, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो सारी तैयारी इसी तरह से हम करते रहेंगे फटाफट से। तो आई होप आप अब क्लियर हो गई होगी ये चीज़, और एग्ज़ाम के लिए पूरा ज़ोर लगा के पढ़ो, घर पे रहो, सेहत भी बनेगी और पेपर भी क्लियर कर लोगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।